सो गाइज वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 9th of September 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट UPBCS, UPSC, BPSC या किसी भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और UPBCS का नंबर वन पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पेड बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और प्लस हमारा इंस्टाग्राम का पेज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से जिसको आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आज कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स का आ गया है, तो हाउस होल्ड सेविंग और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल है, घरेलू बचत और आर्थिक प्रभाव को लेकर। ये आर्टिकल बेसिकली जनरल स्टडी से जो है वो लिंक करेगा काफी ज्यादा स्टैटिक पोर्शन से। नेक्स्ट डिजास्टर बिल सेंट्रलाइजेशन को लेकर कंसर्न, हम लोग को चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले ये डिजास्टर बिल के बारे में हमने बात भी करी थी, जब बात की जा रही थी कि इसको सेंट्रलाइज करो, नेशनल लेवल पर पूरी प्लानिंग जो है वो की जाए आपदा प्रबंधन की, डिजास्टर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें बात हो रही है लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर और ट्रेड यूनियन की डिमांड्स के ऊपर, एक अच्छा आर्टिकल है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोग्राम की बात होगी और इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसकी बात हो रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप पेन और पेपर लेकर अपने साथ बैठिए और जो भी चीज मैं आपको बताते चलूंगा उस चीज को जो है वो आपको नोट डाउन करते चलना है, और जो चीज मैं बताऊंगा सिर्फ वही नोट डाउन करना है, अलग से कुछ नोट डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो पहला टॉपिक है इसमें बात हो रही है हाउस होल्ड सेविंग और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स के बारे में, घरेलू बचत और आर्थिक प्रभाव के बारे में। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। पैंडेमिक के बाद हमारे इंडियन हाउसहोल्ड जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यहां पर बात हुई है भारतीय परिवारों की, तो ये दोबारा से फाइनेंशियल सेविंग जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, राइट। पैंडेमिक के बाद वित्तीय बचत जो है उसका पुनर्निर्माण जो है वो किया जा रहा है, दोबारा से फिजिकल से फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। ये फिजिकल एसेट्स जो है वो क्या है और फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, अब देखो सिंपल सी चीज, मैंने अपने घर पर कैश जो है वो रख लिया एक तिजोरी में, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से मेरा फिजिकल एसेट हो गया, या गोल्ड रख खरीद लिया मैंने अपने पास लाकर रख दिया। बट अगर फाइनेंशियल एसेट मतलब कि मैं अगर बैंक में डालूं, म्यूचुअल फंड्स में डालूं, राइट, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करूं, तो ये होता है मेरे फाइनेंशियल एसेट्स, यस। तो आज की रेट में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट में और सेविंग्स पर जो है वो फिर से दोबारा से दिमाग लगाना लोगों ने शुरू कर दिया, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। जो हाउस होल्ड सेविंग्स जो है यानी कि परिवार की सेविंग्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलती है इकोनॉमी के अंदर, जो सब चीज अफेक्ट कर जाती है कई बार लेंडिंग कैपेसिटी से लेकर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग तक। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक व्यक्ति अगर अपनी तिजोरी में पैसा रखेगा, बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल शब्दों में, एक व्यक्ति तिजोरी में अगर पैसा रखेगा तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल कोई और कर पाएंगे, नहीं। अब आप बोलोगे सर वो तो उस व्यक्ति का पैसा है, वो क्यों कोई और इस्तेमाल करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर रखते हो तो बैंक क्या करती है, बैंक आपके पैसे को किसी और को लोन पर देती है, राइट। आपका पैसा, आपकी जो सेविंग है जो आपने की है, वो पैसा जो है वो उठकर किसी और के पास जो है वो जाता है, कोई और उस पैसे का जो है वो यूज करता है और बैंक मैनेज करती है पूरी चीजें। आप बैंक में पैसा डालते हो तो आपको बैंक पर सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, यस, सेविंग्स पर इंटरेस्ट, और जो व्यक्ति जो है बैंक से पैसा उठाता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसी के बीच का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है। यस, आई थिंक ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको पता है। अब बात ध्यान से समझना एक और, अब ये क्यों ऐसा लिखा है इसके अंदर कि भाई जो भी यानी कि हमारी जो सेविंग्स होती है वो पूरी इकोनॉमी को चला रही है, क्यों ऐसा लिखा है या उसका एक इम्पैक्ट हम लोग को पूरी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, बात ध्यान समझिएगा। अगर एक व्यक्ति बैंक के अंदर अपना पैसा जमा नहीं करेगा, अपनी तिजोरी में रखेगा, तो क्या किसी और व्यक्ति को लोन्स मिल पाएगा बैंक से, नहीं, बहुत कम, और लोन मिलेगा भी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी हाई रहने वाला है, क्योंकि मैनेज करना है पूरा बैंक को हर एक चीज, यस, कम ऑन, यस और नो, है ना। अब अगर किसी व्यक्ति को अगर लोन नहीं मिला तो वो व्यक्ति काम नहीं शुरू करेगा, वो काम नहीं शुरू करेगा तो लोगों को नौकरी पे नहीं रख पाएगा, वो लोगों को नौकरी पे नहीं रख पाएगा तो हमारी इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी। तो पूरी चीज बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे के ऊपर निर्भर करती है, इसीलिए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सरकार काम करती है, करती है कि नहीं करती, कि लिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जो है वो जुड़े, यस, होता है, सुना ये वर्ड आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो जोड़ना है बैंकिंग सेक्टर से, इसलिए तो हमें देखने को मिला कि एक स्कीम सरकार जो है वो लेकर आई थी जनधन योजना, याद आ रहा है कुछ, कि लोगों के बैंक अकाउंट ओपन करवाओ
लोगों को प्रमोट करो, मोटिवेट करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो अपनी तिजोरी में रखने की जगह, अपने अलमारी में रखने की जगह, अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराएं, जिससे कि वो पैसा रोटेट हो, और पैसा जब रोटेट होगा तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। आई थिंक कि यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैंक के अंदर पैसा रखना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के लिए, उसकी स्थिरता के लिए। यस, अभी रिसेंट फाइनेंसिंग 3.0 समिट हम लोग को देखने को मिली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर ने हाईलाइट किया इस ट्रेंड को और यही कहा कि सेविंग्स का इस प्रकार का नेचर जो है वो इंडिया के अंदर उभर कर आ रहा है और ये अभी लोग शुरू भी कर रहे हैं और दोबारा से अब हमें और भी मोटिवेट करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट में पैसा रखें। अब हमें देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल से फिजिकल एसेट में जब शिफ्ट हुआ था तो देखो पेंडेमिक के समय पे हमने देखने को मिला कि लोगों ने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया। एक तो पहली चीज तो उनको समझ में आ गया कि भाई कभी भी लॉकडाउन हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो कुछ ना कुछ बचत करते रहो, फाइनेंशियल सेविंग करते रहो, राइट। नेक्स्ट, और कोविड के समय पर स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, राइट। लोग जो है वो जैसे नॉर्मल तौर पर एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, ये उनका खर्चा हो नहीं रहा था, गाड़ी घोड़ों का खर्चा नहीं हो रहा था, फ्यूल का खर्चा सीधे सीधे बच गया एक प्रकार से अगर देखो तो आप। यस, बाहर जाते हो तो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, वो सब खर्चे बच रहे हैं, मतलब सेविंग्स हो रही थी। बट पोस्ट पेंडेमिक के बाद जो है ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, हाउस होल्ड जो है उन्होंने फिजिकल एसेट पर सेविंग करने की जगह, राइट, जैसे कि घर खरीदना, गोल्ड खरीदना, इसकी जगह उन्होंने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखना शुरू कर दिया या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये पैंडेमिक के बाद हुआ, पैंडेमिक से पहले लोग जो है वो सोच रहे थे कि अपन फिजिकल चीजों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लेते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स में, राइट। तो ये चीज है क्योंकि भाई बैंक में आप जा नहीं सकते, राइट, बैंक के पास अगर आपको बल्क में पैसा जो है वो निकालना है, राइट, जो भी आपको जरूरत है, क्योंकि बैंक बंद था लॉकडाउन के समय पर। यस, और जो परिवार वाले जो बचत कर रहे थे तो उसको अगर कंपेयर किया जाए 2020 और 21 में तो वो सबसे ज्यादा थी। उस समय फिजिकल सेविंग्स जो थी वो बढ़ गई थी 12% हमारी जीडीपी की। लोगों ने गोल्ड और इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझा रेदर देन बैंक अकाउंट में पैसा रखना। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि काफी सारे घरों में जो है वो इनकम जो है वो अचानक से जो है वो रेज हो गए, राइट। और ये भी कहा गया कि प्री फाइनेंशियल क्राइसिस लेवल से ज्यादा जो है वो रेज हुई, क्योंकि कोविड के समय पर लोगों ने पैसा भी खूब छापा, भाई हाँ ठीक है दिवालिया भी बहुत लोगों का हुआ है ऐसा नहीं है, बट पैसा भी लोगों ने काफी अच्छा जो है बनाया कोविड के समय पर। जितनी भी ये सब ये एड टेक एजुकेशन वाली जो ऑनलाइन एजुकेशन वाली जो कंपनी थी वो सबकी सब कोविड के समय पर काफी अच्छा उन्होंने जो है वो पैसा बटोरा, राइट। जैसे कि हम लोग को भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मिली थी कोविड के समय पर जो है वो करने की, बट हमने एक बैलेंस क्रिएट करके जो है वो चले, क्योंकि वी नो अबाउट इट कि लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो पैसा जो है वो लोग कहाँ से देंगे। बट अब आप आज की डेट में देखो, आज की डेट में काफी ज्यादा सफर कर रहा है एडटेक इंडस्ट्री, राइट। एनीवेज आगे की चर्चा करें तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो ऑलरेडी जो है वो बढ़ गए 10.6% जीडीपी से 11.5% हो गए, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली और ये पॉजिटिव ट्रेंड हम लोग को जो है वो नजर आ रहा था। अब जो परिवार वाले जो लगातार जैसे कि प्रॉपर्टी में गोल्ड में जो इन्वेस्ट कर रहे थे तो उनका प्रेफरेंस यही था कि भाई बैंक अकाउंट अगर बंद रहे तो एटलीस्ट हमारे पास कोई फिजिकल एसेट तो रहेगा कि जिसको रखवा कर हम जो है पैसा उठा सकें, राइट, हैंड टू हैंड। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को लिए, बाकी ये सब चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस यही फोकस करना है कि अब दोबारा से ट्रेंड वो वाला शुरू हो गया कि लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं और लोग म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं रेदर देन फिजिकल एसेट्स, ठीक है। अब ये जो हाउस होल्ड सेविंग में जो चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा अगर इसमें आएगा इकोनॉमी के अंदर जो है वो आएगा बैंक अकाउंट में जो है वो आएगा तो हम जो है वो देखने को मिलेगा कि हम इंटरेस्ट रेट को जो है वो थोड़ा कम करेंगे, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोन्स पर जो है वो बैंक से पैसा जो है वो उठालें और एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू कर सकें, तो लिखा है। और अगर ड्रॉप होता है फाइनेंशियल सेविंग में तो हमें देखने को मिलेगा कि हायर इंटरेस्ट होगा, और अगर ज्यादा फाइनेंशियल सेविंग होगी तो हमें देखने को मिलेगा कि लो इंटरेस्ट रेट होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था ऑलरेडी। यस, तो चीजों को देखो यार, बेसिक से चीजों को जो है वो समझना है, ये सब चीजें तब अच्छे समझ में आती है जब आप बेसिक से पूरी चीजें जो है वो कवर अप करते हो और जानने की कोशिश करते हो, और हम आपको ट्राई करते हैं कि बिल्कुल, यानी कि जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ट्राई करता हूं कि बेसिक से पूरी चीज आपको बताऊं कि जिससे कि आपको एक एक चीज दिमाग में क्लियर होती जाए, राइट। जनरली क्या होता है कि जो जनरल स्टडीज की क्लासेस हैं वो शुरू होती है जीरो से लेकर पूरी एडवांस तक। अब ये करंट अफेयर्स का यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टॉपिक है, इसमें मैं ट्राई भी करूंगा बेसिक से करवाने की तो भी शायद कई स्टूडेंट्स के लिए वो पढ़ने ना पड़े, क्यों, क्योंकि आपकी जनरल स्टडीज के ऊपर पकड़ नहीं है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो बिगिनर्स हैं, जिनकी जीएस के ऊपर पकड़ है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं पढ़ाता इस तरीके से हूँ
कि मैं ट्राई करूंगी जो पहली बार भी पढ़े उसको वो टॉपिक भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। यस एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउस होल्ड जो है वो की लेंडर होते हैं, मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया कि भाई जो पैसा हमारा बैंक अकाउंट पड़ा रहता है। अब देखो अब नॉर्मली अगर ये सिंपल सी चीज अगर आप ये रीड कर लोगे, जैसे चलो हिंदी में रीड करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, फिर आप खुद देखना जो मैंने आपको समझाया और यहाँ पर जो लिखा है, तो अगर आप पहले से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब मैंने जो अभी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बिल्डअप कर दिया तो सब आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे ऐसे वित्तीय बचत का पुनर्निर्माण होता है, यानी कि फिर से लोग बचत करना शुरू कर रहे हैं, तो घरों में अर्थव्यवस्था में शीर्ष शुद्ध ऋणदाता बनने की उम्मीद की जाती है। ये क्या हुआ भाई, ये अगर सिंपल ऐसा पढ़ोगे कि हाउस होल्ड आर एक्सपेक्टेड टू बिकम द टॉप नेट लेंडर्स इन द इकोनॉमी, तो समझ में नहीं आएगा, बट अभी दिमाग लगाओ। मैंने भी आपको बताया कि लोग पैसा जो है वो डालेंगे बैंक अकाउंट में, तो ये लोगों का ही तो पैसा है कि जो दूसरों के पास जो है वो जा रहा है, यस और नो, जो दूसरे लोन उठा रहे हैं, तो लेंडर कौन हुआ, लोन देने वाला जो है वो कौन हुआ, ये व्यक्ति, ऋणदाता जो है वो कौन हुआ, ये व्यक्ति जिसने पैसा जो है वो अपना बैंक के अंदर डाला है। अब समझ में आई, अब इतनी छोटी सी लाइन जो है वो उसको समझने के लिए पहले एक स्टोरी समझनी पड़ती है, और ये एक फंडिंग प्रोवाइड कराती है प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को, राइट, ऑब्वियसली बात है कि जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो चलती है। अब प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो हम लोग को कंपनी वालों की यहाँ पर बात हो रही है, राइट, इन्होंने अपनी नेट बोरोइंग को जो है वो रिसेंट ईयर्स में रिड्यूस किया, यानी कि लोन लेना जो है वो कम किया। क्यों कम किया, ऑब्वियसली बात है भाई, क्यों लोन कोई व्यक्ति नहीं लेगा, इंटरेस्ट रेट, सिंपल सी बात, बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन देना पड़ेगा, और बैंक के पास अगर पैसा ज्यादा है तो लो इंटरेस्ट रेट जो है वो लो कर देते हैं, लो भाई पैसा जितना उठाना उठाओ कम इंटरेस्ट रेट पे। क्यों, सिंपल सा गेम है, डिमांड सप्लाई का, सप्लाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, डिमांड है सप्लाई नहीं है प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई है और डिमांड क्रिएट करनी है तो प्राइस घट जाएगा, या आ जाओ भाई डिमांड पे आ जाओ, यस, यही तो पूरा गेम है इकोनॉमी का, यही तो सीखना है बस आपको। इसलिए जनरल स्टडीज की तैयारी करना बहुत जरूरी है, और वही बिल्कुल बेसिक्स है। हाउएवर केपेक्स साइकिल को रिवाइव करने के लिए कॉर्पोरेट के अंदर कॉर्पोरेट बोरोइंग को जो है वो, मतलब ये होगा अब दोबारा से वापस से इनकी जो साइकिल है चलने की, इंडस्ट्रीज जो है रन करती है अपने फुल पोटेंशियल में, तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता, दोबारा से हाउस होल्ड सेविंग्स होंगी, यानी कि लोग जो ये पैसा डाल रहे हैं बैंक अकाउंट में, इससे फायदा मिलेगा, इससे इंटरेस्ट रेट जो है वो डाउन होगा और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इससे अल्टीमेटली हमारा कंट्री की इकोनॉमी जो GDP जो है उसमें राइज हम लोग को देखने को मिलेगा, और पब्लिक सेक्टर जो है वो बोरोवर रहा ही है हमेशा से, राइट, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। फिस्कल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो है प्ले करेगी, स्पेशली RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी जो बैठती है, तो वो बेसिकली इसमें बात करेगी, बताएगी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या रखना है आगे चल के, बैंक रेट कितना रखना है, ये सब चीजें, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाउस होल्ड डेट और सेविंग ट्रेंड किस प्रकार से, तो मैंने आपको बता ही दिया, पूरी चीज रिपीट हो रही है कि बढ़ गया, ये पैंडेमिक के बाद से हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, लोग जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं, मतलब EMI पेमेंट्स पर जो है वो ले रहे हैं, लिक्विडिटी जिसके कारण जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस जो है वो हुई है, बट लोग अपने एसेट बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हेल्थ केयर एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, और इसके कारण से हाउस होल्ड सेविंग जो है वो थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि देखो यार सिंपल सी चीज है, ऑनलाइन जो तैयारी होती है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, यस, कंपेयर टू ऑफलाइन, वो इसलिए होता है, उसका सबसे बेसिक सा रीजन होता है कि भाई ऑनलाइन जो होता है वो, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं, हमारी एक कंपनी है, राइट, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, हम ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और वो अफोर्डेबल रेट पे इसलिए प्रोवाइड हो जाती है क्योंकि हमारा कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा नहीं होता, हमारा इन्वेस्टमेंट फैकल्टी के ऊपर लगता है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लैपटॉप की जरूरत है और इंटरनेट की जरूरत है, और किस चीज़ की जरूरत है। तीसरी चीज़, हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना है टेबल चेयर्स, राइट, किसी के लिए भी, राइट, रेगुलर बेसिस पर हमें कोई स्टाफ मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बट वो इंटरनल स्टाफ होते हैं जो हमारे काम कर रहे होते हैं, राइट, जैसे फैकल्टी हो गया, जैसे कि कॉल रिसीव करने वाले हो गए, राइट, बच्चों की क्वेरी रिजॉल्व करने वाले हो गए, तो उनको देना पड़ता है। मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन सस्ता क्यों पड़ता है, ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन महंगा क्यों पड़ता है, ये आपको बेसिकली पता होगा कि भाई मैं ऑफलाइन अगर एक वो लूँ, स्पेस लूँ, तो उसमें मुझे हर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच लेवल का लगाना पड़ेगा, और उसी के कारण अभी बड़ा नुकसान हुआ था मेरा, एनीवेज, तो होता रहता ही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब इसमें जो है वो क्या हुआ, अब बच्चों ने दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस जाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन छोड़ गए, तो उससे क्या हुआ, उससे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा जो है बढ़ गया। बट यहाँ पर बताया एक चीज़ समझनी चाहिए मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को,
अगर आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अच्छी मिल रही है तो क्यों जाना ऑफलाइन। जैसे अभी बीच में मेरी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, तो उनको ऑप्शनल की तैयारी करनी थी, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आपकी अगर सिटी में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पर अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर मतलब फैकल्टी वगैरह और सही प्रिपरेशन अगर आपकी नहीं हो रही है तो आपको क्यों अननेसेसरली पैसे बर्बाद करना। तो उनका कहना ये था कि नहीं मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आता। होता है काफ़ी सारे बच्चों को, भाई देखो बात समझ में नहीं आने के चक्कर में गलत जगह पैसा वेस्ट करोगे तो वो नुकसान में तो आप ही जाओगे ना, सही है सर? नो यस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ये समझना चाहिए, ये देखो ना कि आपको अफोर्डेबल तरीके में क्या चीज़ मिल रही है। सबसे बेस्ट चीज़ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हमारे पास कि जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं मतलब एक माहौल के लिए, और लाइब्रेरी जाकर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। बढ़िया, आप भी कर सकते हो। अगर आपको माहौल ही चाहिए तो गो टू लाइब्रेरी यार, 1,000 रुपये 2,000 रुपये पर मंथ में अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी इंटरनेट कनेक्शन के साथ। वहां जाओ, वहां जाकर अपना टाइम स्पेंड करो, बैठो सुबह से लेकर शाम तक। अगर आपको बाहर ही जाकर घर में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, माहौल नहीं बन रहा है आपका, तो आप बाहर जाकर पढ़ाई करिए, तो ये चीज करना जरूरी है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं, पॉलिसी और इनिशिएटिव जो थे जो हाउस होल्ड सेविंग को वो कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है कि भाई बच्चियों के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए जो है वो आप वो करो, पैसा जो है वो जमा करो, राइट? और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और सेविंग्स पर हाई इंटरेस्ट भी इसमें मिलता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अंदर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम डिजाइन की गई है सीनियर सिटीजन के लिए। किसान विकास पत्र स्कीम एंड अदर्स, तो इसके अंदर काफी सारी स्कीम्स है, महिला सम्मान, सेविंग सर्टिफिकेट, PPF, नेशनल पेंशन सिस्टम, राइट? तो ये सब अलग अलग सेविंग एवेन्यूज जो है प्रोवाइड करा रहा है अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो लिख लो भैया ये स्कीम्स के नाम, थोड़े से पता होना चाहिए। जनधन योजना भी थोड़ा सा लिख सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है ये, है ना? बस दैट्स इट। तो और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। पहले बात करिए, हमने याद आ रहा है कुछ, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये बेसिकली अमेंड करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को। ये बेसिकली है किसके लिए, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को, आपदा प्रबंधन को सेंट्रलाइज करना है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि नेशनल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक है, वैसी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी हम लोग को देखने को मिलती है जो राज्य लेवल पर काम करती है। तो ये बोल रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज करेंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा स्टेट्स के बीच में और एक समान पॉलिसी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर पूरी कंट्री के अंदर लागू होगी। ये मेन चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बट इससे जुड़ी काफी सारी चिंताएं भी हैं। यस, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग एक्सपर्टिज्म की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग स्टडीज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें हो सकता है कि डिलेज हो जाए। और डिजास्टर के समय पर अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं हो और अगर आप डिले कर देते हो चीजों में तो घाटा होगा, नुकसान होगा, लोगों की जान जाएगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। और आज की डेट में क्लाइमेट जो इंड्यूस डिजास्टर है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार हम लोग को डिजास्टर देखने को मिल रहा है जो कि बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी जो डिजास्टर की डेफिनेशन है वो आउटडेट हो चुकी है, तो इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म है कि भाई नई डेफिनेशन जो है वो लाई जाए। अब देखो ये बिल जो है वो बाईपास करेगा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को, और अलाउ करेगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो प्रिपेयर करें। मतलब पूरी नेशनल लेवल पर पूरी चीजें कंडक्ट की जाएंगी। और इसमें यह भी बोला है कि ये पीरियोडिक डिजास्टर रिस्क असेसमेंट भी जो है वो इंक्लूड करेंगे कि समय समय पर जो है वो किस किस चीजों के डिजास्टर हो सकते हैं, तो उसका भी एक आकलन किया जाएगा। फिर डिजास्टर डेटाबेस जो है वो तैयार करेंगे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इसके अंदर पूरी चीज कवर करेंगे ऐसा बता रहे हैं ये लोग। और ये बेसिकली स्टाफ की नीड्स के लिए जो है वो एक्सपर्ट्स वगैरह भी जो है अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अप्रूवल के थ्रू, क्योंकि सेंट्रलाइज एजेंसी है। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल के अंदर ये कहा गया कि इसको लाया जाएगा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जो आप स्टेट कैपिटल्स के लिए, यानी कि किसी भी राज्य की जो है वो कैपिटल है उसके लिए, और सिटीज के लिए जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम लोग को देखने को मिलती है, इसमें दिल्ली चंडीगढ़ को हटा दिया गया है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हम लोग को देखने को मिलेगी, इसमें सशक्त बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट ये एक फोर्स अलग से जो है वो अपनी लोकल जो इशूज है उसको रिजोल्व करने के लिए, डिजास्टर से रिलेटेड इशूज को रिजोल्व करने के लिए सेटअप कर सकती है। फिर इसके अलावा ये स्टैचुटरी स्टेटस है वो दे दिया जाएगा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को, हाई लेवल कमेटी को, जो डिजास्टर मेजर डिजास्टर और फाइनेंशियल एड के बारे में जो है अपना रिकमेंडेशंस देती हैं। फिर इसके अंदर सेक्शन 60A जो है वो लाया जाएगा जिसमें सशक्त बनाया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि पेनाल्टीज लगाई जाए कि अगर डिजास्टर के डायरेक्शन अगर कुछ आए कि भाई आपदा प्रबंधन करना है और उसके अगर स्टेट ने डायरेक्शन दिए किसी को
और अगर वो स्टेट का डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब इसके अंदर आप भाई सेंट्रल लेवल पर इतना ज्यादा पावर सेंट्रल लेवल को जो है वो दे रहे हो सकता है कि इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी काफी सारी चीजें डिले हो। अक्सर होता है ऑर्डर ऊपर से आया नहीं, अभी ऊपर से आया तो पहुंचा नहीं नीचे, बीच में अटक गया, ये सब चीजें होती है ना। तो इमरजेंसी के समय पर अगर इस प्रकार का डिले होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, जब आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अब अगर फंड्स की आवश्यकता है भाई, भाई राहत फंड्स की आवश्यकता, राहत निधि की आवश्यकता है, और उस समय अगर टाइम पर जो है फंड्स नहीं पहुंचेंगे तो भी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। प्रॉपर तरीके से आप लोकल बॉडीज वगैरह को जो है पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लोकल लेवल पर काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। कई कई बार कई सारी गाइडलाइंस जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की, राइट, तो उसको डाइल्यूट किया गया, हटाया गया और पूरा कंट्रोल जो है वो फाइनेंस रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो दे दिया गया। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। डिजास्टर की डेफिनेशन में कुछ कमियां हम लोग को नजर आ रही है, राइट। जैसे हीट वेव जो है वो उसको अभी भी एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है वो नोटिफाइड डिजास्टर नहीं बताया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि हीट वेव क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, किस जगह पर एक एवरेज टेम्परेचर। देखो इसमें प्लेन्स की अलग बताओगे आप, यानी कि मैदानी क्षेत्र की अलग बताओगे और हिल्स एरिया की अलग बताओगे, राइट। ये दो अलग अलग डेफिनेशन होती है कि कितना एवरेज टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर हाई होना चाहिए तब हीट वेव जो है वो मानी जाएगी। अब बिल के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि कोई भी स्कोप नहीं है कि भाई डिजास्टर जो है वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर जैसे हीट वेव वगैरह क्या है ये, और उनका हेल्थ रिलेटेड रिस्क क्या है, तो उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। फिर डेफिनेशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो प्रॉपर तरीके से रीजनल वेरिएशन को जो है वो नहीं कर पा रही है, डिफाइन नहीं कर पा रही है। मतलब देखो एक एक ही क्षेत्र में एक बड़ा सा एरिया, जैसे एक सिटी मान लो, एक सिटी में जैसे आप देखोगे उसके आउटर एरिया पर ठंडक है, बट अंदर साइड जैसे आप सिटी के अंदर घुसोगे तो गर्मी लगने लगी, क्यों, बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स, और उसके कारण भी हीट स्ट्रोक होता है, लोगों की जान जाती है। बोलो हाँ या ना, यस। कई बार ऐसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए हैं हिमालय वगैरह पे, हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज पे अगर हम बात करें, तो जिसके कारण से अगर कोई फ्लैश फ्लड अगर आती है, एकदम से बाढ़ आती है, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। तो ये सब चीजें भी इसमें डिफाइंड नहीं है, तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट क्लियरली जो पड़ेगा भाई। अब राज्य जो है, स्टेट जो है, वो चाह रही है कि भाई वो खुद से अपना डिसीजन ले डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, तो उसको डिसीजन नहीं लिया, मतलब डिसीजन लेने की पावर उसे छीन ली है, क्योंकि कंप्लीटली पूरा डिसीजन जो है वो कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। कोऑर्डिनेशन इश्यूज के अंदर जो है वो आ सकता है, वेरियस अलग अलग जो कमिटीज बनाई है, हाई पावर्ड कमिटीज जो आपने क्रिएट करी है, अलग अलग जो अथॉरिटीज बनाई है, इनके बीच में जो है वो क्लैशेज हो सकते हैं, राइट। और क्लैशेज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर काम आगे बढ़ेगा नहीं। फिर लीडरशिप का गैप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इसमें वाइस चेयरमैन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि ऑपरेशनल कैपेसिटी को वीक करने का काम कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हम लोग को देखने को मिले, कई बार अधिकारी लोग जो है वो फाइल आगे ना बढ़ाएं, डिले कर दें, राइट, तो वो सब चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब इशूज है काफी सारे, और जो इशूज है वही उसका सोल्यूशन है। इसमें ये चीज अच्छी है कि हाँ ठीक है भाई, क्लाइमेट रिस्क को जो है वो पूरी तरह से इसमें शामिल करने की बात की गई। अब देखो कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करने की बात की हुई है, अब देखो करते हैं कि नहीं करते, और ये चीज करनी भी है हमें कि भाई पहले से पता लग जाए, प्रिडिक्शन पहले से हो जाए कि हाँ इस क्षेत्र में डिजास्टर होने वाला है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पावर जो है वो इंक्रीज की जा रही है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो इनकॉर्पोरेट करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए, लेकिन कई बार लोग जो है अपने पूरे परिवार को खो देते हैं, फिर वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जो है वो गुजर रहे होते हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और उसके बाद कई केसेस में ये भी देखने को मिला कि फिर वो खुद पर सुसाइड कर लेते हैं आगे चल के, तो उनको उनको भी सपोर्ट दिया जाए, मेंटल सपोर्ट दिया जाए, राइट। तो ये सब चीज़ है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्लियरली समझ आई होंगी। अब कुछ ट्रेड यूनियन की डिमांड्स है और लेबर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, श्रम सुधार की बात हो रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक मीटिंग कर रही है, राउंड टेबल मीटिंग कर रही है सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ, ये डिस्कस करने के लिए कि भैया आपकी क्या डिमांड है और चार लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने में आप क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये जो चार लेबर कोड्स जो आए थे, जिसको काफी पहले मैंने पढ़ाया हुआ था, ये चार लेबर कोड्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होगी, वेज कोड्स हैं, इसको लेकर काफी सारे लोग जो है वो खुश नहीं है, राइट, ट्रेड यूनियन जो है वो इसको लेकर खुश नहीं है कुछ, तो इन्होंने काफी सारी डिमांड रखी। इन्होंने बोला कि भाई आप पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर दो, एंड इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी तक नहीं हुई है 2015 के बाद से, उसको फिर से करना शुरू करो आप,
और डिस्कशन ये भी बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उस पर फोकस करना है, राइट, और जो कि 2 करोड़ जॉब जो है वो क्रिएट कर सकती है। आगे की चर्चा करें तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को दोबारा से शुरू करने की बात उठाई है, जो उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करें पहले। तो ट्रेड यूनियन जो है ये बोल रही है कि भाई आप फिर से जो है वो शुरू कर दो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को, जो एक अब लिख लो ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, भारतीय श्रम सम्मेलन, एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, त्रिपक्षीय निकाय हम लोग को देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लेबर लॉस के बारे में, यानी कि जो श्रम कानून है उस पर ये कंसल्ट करते हैं, उस पर परामर्श के लिए ये बॉडी हम लोग को देखने को दी, पहला पॉइंट ये लिख लो आप। और ये भी लिखना कि ये 2015 के बाद से जो है ये रोक दी गई है, आयोजित नहीं हुई है। नेक्स्ट, और जो प्रॉपर लेबर रिफॉर्म्स है, जो श्रम सुधार हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 29 केंद्र सरकार के जो श्रम से रिलेटेड कानून है उसको 4 कोर्ट्स में जो है वो कोडिफाई किया गया, यानी कि 4 अलग अलग कोर्ट्स में डाला गया है। और इसको डालने से पहले ILC से कंसल्ट नहीं किया गया था, क्योंकि 2015 के बाद से ये बैठक इसकी हुई नहीं, क्योंकि जितना भी लेबर का ट्रेड यूनियन है उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन होता है ILC का, जो इसको बेहतरीन मानते हैं, यानी कि सही मानते हैं, बोलते हैं कि यार इससे कंसल्ट करना जरूरी है, जिसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। अब ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी चिंता ये भी है नए कोर्ट को लेकर कि ये बड़ी कंपनीज को फायदा दे रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनीज को अलाउ किया गया है जिनके पास 300 से भी कम एम्प्लॉयज है कि वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के किसी भी वर्कर को हायर कर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं नौकरी से, यानी कि नौकरी पे रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो चिंता वाली बात यही है जॉब सिक्योरिटी को लेकर, ऑब्वियसली बात है यार, बार्गेनिंग को लेकर, यानी कि सैलरी से रिलेटेड बार्गेनिंग को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर और सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजन को लेकर। फिर इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर ये बड़े चिंतित है लेबर्स, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो आप, जब सरकार अपना कोई पर्टिकुलर, जैसे PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सरकार की, जिसमें यहाँ पर ऑलरेडी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है मतलब कि उसने अपना आधा हिस्सा या पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब कंपनी बेचेंगे तो लेबर्स तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी छटाई हो जाएगी, कोई जो नया व्यक्ति आएगा तो भाई वो अपने नए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो पूरी चीजें चलाएगा, तो जो पुराने इतने सालों से जो लेबर्स काम कर रहे हैं, डिपेंडेंट है उस कंपनी के ऊपर, लॉयल है, तो उनको तो कोई जॉब सिक्योरिटी मिली नहीं, तो ये इस बात की चिंता है उनको। इन्होंने ये बोला कि भाई ये आपका जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, पाइपलाइन है सॉरी, NNP, जिसके थ्रू आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे तो हमें लॉस हो रहा है, आप अपनी सरकारी कंपनीज को रहे हो प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे हो, प्राइवेट कंपनी आएगी तो हो सकता है कि पुराने एम्प्लॉयज को ना रखे। तो उन्होंने डिमांड किया कि भाई आप अभी रोको प्राइवेटाइजेशन को और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बेचना बंद करो, उससे नुकसान हो रहा है हम लोग को, लेबर लोगों को, तो ऐसे ये लोग कह रहे हैं। यूनियन ने ये भी बोला कि भैया मिनिमम वेज जो है एटलीस्ट 26,000 पर मंथ तो रखो यार, जो 15th ILC का रिकमेंडेशन था, जो 15वां ILC ने जो रिकमेंडेशन दिया था इनकी कॉन्फ्रेंस ने, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने, तो ये बोला था कि 26,000 पर मंथ एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी हम लोग को है वो देखने को मिलता है, जिसके थ्रू भी ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, रेगुलर वेज जो है वो हर 5 साल में रिवाइज होने चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से, मुद्रा फीसदी महंगाई के हिसाब से, तो ये इनने बोला। इनकी एक और डिमांड हम लोग को जो है वो देखने को मिली, ये कहा कि भाई आप कुछ पॉलिसी तो लेकर आओ फिक्स टर्म के लिए, अभी हमें जॉब इनसिक्योरिटी हो रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर से आए होते हैं काम करने के लिए। अब अचानक से अगर जो व्यक्ति अपना घर बार सब छोड़ के आया है यहाँ काम करने के लिए और अपने घर पर पैसा भेजने के लिए, और अचानक से उसको आप जॉब से निकाल दोगे या उसकी सैलरी अचानक से कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तो उसको तो दिक्कत आएगी ना भाई। इन्हें ये भी बोला कि भाई अग्निपथ स्कीम जो है उसको हटाओ, और 8 घंटे का वर्क डे मैग्नेट जो है वो मैंडेट जो है वो लेकर आओ, कि 8 घंटे एक लेबर को जो है बस काम करना, उससे ज्यादा नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वापस रिस्टोर जो है वो करो। उन्होंने ये भी बोला कि मिनिमम पेंशन एटलीस्ट 9,000 रुपये पर मंथ तो सभी एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत थी, और 6,000 पर मंथ जो इस स्कीम के बाहर उनको तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, अब तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत वो भी नहीं है, तो ये बोल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आओ भैया। ELI यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इन्होंने ये भी बोला कि भैया इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 करोड़ जॉब जो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्रिएट करना, बट चिंता ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर के बाहर है उन लोग का क्या होगा। तो स्कीम तो सिर्फ जो है बेनिफिट जो है प्रोवाइड कराएगी किसको, फॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को। उन्होंने बोला कि स्कीम को बेनिफिट कराना चाहिए इनफॉर्मल वर्कर्स को भी, जिनको ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल।
ये भी इनने बोला कि भाई क्लैरिफाई करो कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा वर्कर्स को या फिर वो एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड के साथ लिंक होगा, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसेंटिव स्कीम जो है वो दिखाकर बुलवा तो लिया, उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो ये चीजें थी जो पूरी चिंताओं की बात थी जो ट्रेड यूनियन ने उठाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो चिंता वाली बात है वो आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल जेन्युइन चिंता वाली बात इन्होंने उठाई है। अब ये लेबर कोड क्या है ये लिख लेना, लेबर कोड और सोशल सिक्योरिटी, चार लेबर कोड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, श्रम संहिता और समाज सुरक्षा के चार श्रम संहिताएं हैं, ये चारों के नाम लिख लेना। कोड वेरियस, कोड ऑन वेरियस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये पूरी चीज लिखो, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। ये चीज आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन से कोड्स हैं। देखो इनके नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि कोड किन किन के लिए है, अलग अलग इन्होंने डिफाइन कर दिया। पहला कोड जो है वेजेस को लेकर, मतलब कि भाई आप टाइम पर पेमेंट होना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज को मिनिमम वेजेस तो मिलनी चाहिए। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर कोड हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ट्रेड यूनियन जो है वो उसको बनाने के अधिकार को प्रोटेक्ट किया गया है और जितने भी विवाद होते हैं मुद्दे होते हैं उसको रिजोल्व करना है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर गिग वर्कर्स को कवर किया गया। गिग वर्कर्स में पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कौन होते हैं गिग वर्कर्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको पता होना चाहिए कि ये गिग श्रमिक जो है वो कौन होते हैं, गिग वर्कर्स। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से मनमौजी वर्कर होते हैं, मतलब हिंट दिया बस मैंने आपको, मनमौजी वर्कर अपने हिसाब से काम करते हैं और फिर काम प्रोजेक्ट जैसे ही फिनिश हुआ उसके बाद फिर वो अपने जैसे उनके पास पैसों की जरूरत होगी तब तब काम करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताओ मुझे गिग वर्कर्स की क्या होती है। फिर इन्होंने बोला इसमें ये भी कहा गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को भी जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट ये सब उनको जो है वो मिलेगा सोशल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से। फिर दूसरा भाई इन्होंने बोला कि भाई हेल्थ और सेफ्टी पर भी फोकस किया जाएगा वर्कर्स की, राइट, और ये फैक्ट्रीज के वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और कुछ स्पेसिफाइड वर्कर थ्रेशोल्ड के लिए, यानी कुछ एरियाज के लिए ही स्पेसिफिक रहेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई नॉर्मल सी चीज है कि जो वर्कर की डिमांड है कि भाई आईएलसी की मीटिंग्स दोबारा से शुरू कर दो, यानी कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग दोबारा से शुरू कर दो, तो कर देनी चाहिए। और फिर एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिनको जॉब से रिलेटेड इनसिक्योरिटी, जैसे नोटिस पीरियड होता है ना वैसा कुछ प्रोविजन लाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप किसी को जॉब से निकाल रहे हो तो अचानक से ये नहीं बोलना कि भाई कल से काम आना बंद कर दो, क्योंकि अक्सर ये इनफॉर्मल सेक्टर में होता ही है, कोई व्यक्ति आया जॉब के लिए उसको बोल दिया जाता है कि भाई कल से अब बंद कर दो यार आप आना, या कल से प्रोजेक्ट मत देना, हो गया तो भाई ये स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कायदे में जो एम्प्लॉयर जो होना चाहिए उसको एटलीस्ट एक महीना दो महीने का नोटिस पीरियड जो है वो देना चाहिए। फिर आईएलओ कन्वेंशन का रेक्टिफिकेशन, इनने बोला कि भाई जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन हो उनको आप रेक्टिफाई करो, ठीक है, फेयर वेजेस इंश्योर करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, ये चीज है बस, दैट्स इट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे समझ में आई होगी। अब देखिए गाइस यहाँ पर बात हो रही है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम के बारे में, लिख लो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को रहे बनाया जाएगा 10 राज्यों में, लिख लेना ये, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को बनाना है 10 राज्यों में। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो देश के अंदर ही, घरेलू विनिर्माण इसके प्रोत्साहन के लिए ये हम लोग को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, लिख लो। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये पार्ट है जिसके अंदर 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो कवर किए जा रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया की जो वैल्यू चेन है उसमें, मतलब जो पूरे दुनिया भर की जो वैल्यू चेन है उसमें इंडिया का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई जो है वो पूरे दुनिया भर में इंडिया की तरफ से जाए, और जैसे कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें, स्पेशली जो कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये जो अट्रैक्ट करती है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी क्या है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मतलब इसमें देखो औद्योगिक नाम में छुपा हुआ है कि ऐसी सिटी तैयार करना है जहां पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, मेन चीज इस पर काम करना है। इसमें टेक्नोलॉजीज, डेटा एनालिटिक्स, इसकी मदद से हम लोग एक सिटी का क्या पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करके जो है वो उसको एज अ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाए। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई घरेलू हम लोग को औद्योगिक
मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू करना है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। विनिर्माण को शुरू करना है, घरेलू विनिर्माण इंडस्ट्रीज को शुरू करना है, घरेलू इंडस्ट्रीज को, और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के। अब ये क्या होता है प्लग एंड प्ले? सिंपली ये मतलब है कि पहले से पूरी चीज रेडी कर दी जाएगी। प्लग एंड प्ले का मतलब आप वहां पर जाओ और काम शुरू कर दो, मतलब आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए सब चीज वहां पर अवेलेबल होगी। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, यस, वॉक टू वर्क कंसेप्ट को प्रमोट जो है वो किया जाए कि भाई लोग जो है वो आसपास के एरिया में, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके आसपास उनका घर वगैरह बना दिया जाए, रेसिडेंशियल एरिया बना दिया जाए कि बस वो वहां पर जाएं, वॉक करते हुए और अपना काम करें, वॉक करके वापस घर। तो वॉक टू वर्क। फिर इसको नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के द्वारा और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। एम ऑब्जेक्टिव यही है कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना है जहां पर इंडस्ट्रीज के हिसाब से जितनी भी फैसिलिटीज हो सब अवेलेबल हो। अब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो पहला प्रोजेक्ट था जिसको इसके तहत अप्रूव किया गया था 2007 में एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए। और ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगी जहां पर हर चीज अवेलेबल होंगी वर्कर्स के लिए। फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो स्टैब्लिश किया जाएगा कि जिससे कि प्रोजेक्ट्स टाइमली इंप्लीमेंट हो सके। स्पेशल पर्पज व्हीकल कुछ नहीं होता, मतलब ये मान के चलो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग यूनिट एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसका काम सिर्फ ये होता है ये इंश्योर करना कि जो भी काम चल रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर वो पूरा टाइम पर जो है वो कंप्लीट हो। और अभी जैसे ये सिटीज बनानी है, जैसे है ना ये सिटीज बनानी है, तो सिटीज बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो पूरी पूरी तरह से इंश्योर करेगा कि टाइम पर ये पूरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, देखो $2 trillion का एक्सपोर्ट हमें करना है 2030 तक, लिख लो भैया, ये इंडिया का गोल है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। फिर सिटीज जो है वो एक नेटवर्क बनाएंगे इंडस्ट्रियल हब का गोल्डन क्वाड्रेंट लेटर में, तो याद रखिएगा गोल्डन क्वाड्रेंट लेटर के नजदीक में ही ये पूरी सिटीज का नेटवर्क होगा जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी और कनेक्टिविटी भी एनहांस रहेगी। क्योंकि आप भाई इंडस्ट्रीज हर कहीं नहीं ओपन कर सकते, आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि भाई इंडस्ट्रीज वहां पर ओपन हो जो एक सिटी के मेन या स्टेट के राज्य के मेन पाइपलाइन से होकर गुजरे, मेन पाइपलाइन मतलब मेन रोड से होकर जो है वो गुजरे, तभी जो है फायदा होगा वरना नहीं होगा। यस, तो ये इस चीज पर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो देना है। ठीक है, स्मार्ट सिटी जो है उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल होंगी, सब चीज यहां पर अवेलेबल होगा। अब देखो आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने के पीछे क्या क्या चुनौतियां लगती हैं, तो सबसे पहले तो देखो आउटडेटेड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब तो नई नई चीजें आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम है, डेटा सेंटर्स की आवश्यकता है, राइट, नई नई टेक्नोलॉजीज बढ़ती आ रही, तो हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। और नेक्स्ट डेटा सिक्योरिटी को लेकर, तो भाई अब इतने आप देख ही रहे हो कितने सारे लूपहोल्स हम लोग को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक भी डेटा अगर लीक होता है तो बड़े कस्टमर्स का जो है वो नुकसान हो सकता है, कंपनी का पूरा काम जो है वो रुक सकता है। फंडिंग की प्रॉब्लम तो हमेशा से रही है। फिर पब्लिक एक्सेप्टेंस कि भाई अब देखो आज की डेट में अवेयरनेस बढ़ती आ रही है सिटीजन्स के बीच में डेटा प्राइवेसी को लेकर, लाइफस्टाइल के चेंजेस को लेकर, तो इस प्रकार से स्मार्ट सिटीज को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो पब्लिक जो है उनके सहमति से ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर पब्लिक को चीजें समझ में नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो उसको फिर आप स्मार्ट सिटी के तौर पर जो है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि स्मार्ट सिटी पब्लिक की ईज के लिए है, यानी उनकी सुविधाओं के लिए है। नेक्स्ट पॉलिसी और गवर्नेंस, तो कई बार ऐसा भी होता है प्लान तो बन जाते हैं बट इंप्लीमेंट नहीं होते, ये सब भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जो इशू है वही उसका, मैंने आपको बताया हमेशा से जो प्रॉब्लम है वही उसका सलूशन है। तो अगर कामकाज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की तरफ से डिले हो रहा है तो भाई डिले नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आओ, सही तरीके से शासन होना चाहिए। अब जैसे लैंड एक्विजिशन का मुद्दा भी कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कई बार जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूव तो हो जाता है बट जमीन उसके लिए मिलना जो है वो बहुत मुसीबत वाला काम हो जाता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है, एनवायरमेंट को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्किल्स डेवलप करनी जरूरी है कि आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है तो हमारे पास उस टाइप की स्किल्स नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज को, तो ऐसी स्किल्स सही है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर पार्टनरशिप करें जिससे फंड से रिलेटेड इश्यूज वगैरह भी जो है वो रिजॉल्व हो सके। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने की सख्त आवश्यकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनो। इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट Roomie-1, ये लॉन्च किया गया चेन्नई के अंदर, हम लोग को Thiruvananthapuram हम लोग को देखने को मिलता है वहां से लॉन्च किया। तो Roomie-1 ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है क्या है ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ये रॉकेट डेवलप किया गया तमिलनाडु के अंदर, एक स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया नाम से, उसने कोलैबोरेट किया मार्टिन ग्रुप के साथ और ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट तैयार किया।
ये डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही हम लोग को देखने को रहा है कि हम स्पेस की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब रूमी के वन के बारे में हम चर्चा करें तो इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम दोनों ही अवेलेबल है, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसका रिड्यूस हो गया है और रॉकेट की एफिशिएंसी भी जो है वो काफी बढ़ गई है। हाइब्रिड डिजाइन जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा रॉकेट को ऊपर पहुंचाने में, मतलब रॉकेट को स्पेस में ले जाने में, फोर्स में जो है वो हेल्प करेगा, थ्रस्ट डेवलप करने में हेल्प करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रॉकेट लॉन्च में जो है वो और फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री में जो है वो हेल्प करेगा। ट्रेजेक्ट्री मतलब जब किसी भी पर्टिकुलर सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ना रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री लॉन्च के बारे में बात करें तो रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में, जिसमें 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पीको सैटेलाइट जो है वो देखने को मिली थी। नेक्स्ट, ये सैटेलाइट्स डिजाइन की गई है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कलेक्ट करके प्रोवाइड कराएंगी। और रूमी वन डिजाइन की गई है पूरी की पूरी, मतलब इसके अंदर किसी प्रकार से पायरो टेक्निक्स का और TNT का उपयोग नहीं किया, मतलब एनवायरमेंट को लेकर इस रॉकेट सिस्टम में कोई भी रिस्क नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम भी है जो कि सेफ रिकवरी भी प्रोवाइड कराएगा कंपोनेंट्स की, यानी कि बाई चांस अगर कुछ हो जाता है राइट स्पेस में और कोई भी मतलब ऐसा कुछ डैमेज वगैरह होता है तो जब भी इसके पार्ट्स जब नीचे गिरेंगे तो वो बिल्कुल रॉकेट इसका ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब वो पैराशूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और रिकवर किए जा सकेंगे, इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे। फिर इसके अलावा इंजन जो है वो सपोर्ट करेगा एडजस्टेबल लॉन्च एंगल्स को 0 से लेकर 120 डिग्री में और इंश्योर करेगा कि बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैजेक्टरी कंट्रोल रहे और सही जगह पर सैटेलाइट जो है वो हम लोग प्लेस कर पाए। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड किस पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड दोनों प्रोपेलेंट सिस्टम इसमें है, ये चीज ध्यान में रखना, ये पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। और बस दैट्स इट। और इसमें पैराशूट सिस्टम भी है तो स्पेस में मलबा भी जो है वो नहीं होगा, राइट, वापस नीचे आ जाएंगी सेफली कंपोनेंट्स वगैरह। फिर इसके अलावा फायदे क्या क्या होंगे, सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट सेविंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, 65% सस्ता हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू दूसरे लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स। फिर नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, इसमें हम लोग को लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसमें और भी ज्यादा मात्रा में हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो लॉन्च कर सकेंगे, हमारे मिशन जो है वो स्पेस के वो बढ़ जाएंगे, स्पेस का मलबा जो है वो कम हो जाएगा जैसे हमने बात करी। अभी जो सैटेलाइट भेजी गई है क्यूब सैटेलाइट जिसका वेट 1 से 10 किलो का होता है और पीको सैटेलाइट जो 0.1 से लेकर 1 kg तक की हम लोग को देखने को मिलती है, जो रूमी वन में जो है वो मतलब रूमी वन में इंस्टॉल करके भेजी गई थी इस रॉकेट में स्पेस में। 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च मिशन के तहत 2500 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट और ट्राइबल स्कूल के उन्होंने डिजाइन करी थी स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, जो कि 150 पीको सैटेलाइट ले जाने के लिए केपेबल रहती है। तो ये भी एक हम लोग को एक अचीवमेंट देखने को मिला इंडिया की तरफ से। अब आने वाले जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना हमें जरूरी है, हमें हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज अपने आप में हम लोग को देखने को मिलता है, हालांकि कॉस्ट इफेक्टिव तो रहता है, एफिशिएंट भी रहता है, बट टेक्नोलॉजी वाइज है ये काफी चैलेंजिंग रहता है। रूबी वन की जो सक्सेस हम लोग को देखने को मिल रही है तो अब ये एक स्टेप है कि भाई इस प्रकार से भी हम लोग प्रोपेलेंट सिस्टम जो है वो ला सकते हैं लिक्विड सॉलिड दोनों, यानी कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो रॉकेट में इंस्टॉल करके रॉकेट को स्पेस तक जो है पहुंचाया जा सकता है। और ये इको फ्रेंडली डिजाइन हम लोग को इसका देखने को मिल रहा है, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा है और फ्यूचर के स्पेस मिशन में भी इसी प्रकार की इको फ्रेंडली डिजाइन की आवश्यकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ट्राई करिए बताने की, मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट ऑपरेशन कवच 5.0, लिख लो भैया आप ऑपरेशन कवच 5.0। ये एक एंटी नार्कोटिक इनिशिएटिव है जिसको दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है कि स्ट्रीट लेवल और हाई लेवल पे जो ड्रग्स ट्रैफिकर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग पेडलर्स इसको बोलते हैं जनरली, जो ड्रग्स जो है वो देते हैं मार्केट में और सप्लाई करते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए एक ये मिशन हम लोग को, ये इनिशिएटिव हम लोग को दिल्ली पुलिस के द्वारा देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन कवच 5.0। ड्रग ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो महिलाओं का और बच्चों का भी इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं बचने के लिए, कई बार महिला और बच्चे जो है उनके पास ड्रग्स रहता है। एक जॉन इब्राहिम की मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, हाँ रॉकी हैंडसम में भी यही दिखाया गया कि किस प्रकार से बच्चे जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने में, और फिर उस रॉकी हैंडसम मूवी में तो वो ऑर्गेन वाला भी ट्रैफिकिंग भी दिखाई गई थी कि कई बार बच्चों को मार भी दिया जाता है। ऑपरेशन जो है वो मेन ऑब्जेक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही कि युवाओं को बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर ये ड्रग्स
का सेवन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। लोग आजकल ड्रग्स लेने वाले को कूल समझते हैं कि देखो कितना कूल है, MD, LSD ये सब ले रहा है। नहीं भाई, कूल नहीं होता ये, एक टाइम के बाद इंसान की बैंड बज जाती है, हेलुसिनेशन में रहता है इंसान, हेलुसिनेशन में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद रहती है। नशा तो बहुत बेकार चीज है भाई, नशा इंसान को नहीं करना चाहिए। अपनी अच्छी खासी ग्रोथ को जो है वो इंसान नशे में डुबा देता है। नशा मुक्त भारत अभियान जो है, इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की। अब चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।